बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ सड़कों पर उतर गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में अपराध को लेकर खूब सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर रोज बिहार के आपराधिक घटनाओं को लेकर बुलेटिन जारी कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि बिहार सरकार जिसे सुशासन की सरकार कही जाती है, आखिर इस सुशासन वाली सरकार में इतने अपराध क्यों हो रहे हैं। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उत्तर बिहार के दौरे पर इस वक्त हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े बड़े नेता पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना की है, राजभवन मार्च की है। बिहार में बढ़ते अपराध और जमीन सर्वे को लेकर जिस प्रकार की मामले सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए हैं। बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर नेता कार्यकर्ता आरजेडी के झंडा लिए उतर गए हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना की है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से लगातार सुशासन वाली सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि सरकार किस सुशासन की बात करती है जहां दिन दहाड़े हत्या लूट किडनैपिंग हो रही है, क्या इसे सुशासन की सरकार कही जाएगी। सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, सरकार के तमाम जो लोग हैं वो लूट में लगे हुए हैं, सरकार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के कुछ अधिकारी चला रहे हैं। नीतीश कुमार का अब जो है वो कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में कोई महत्व नहीं रखते हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर उतरकर राजभवन मार्च किया। हालांकि उन्हें इनकम टैक्स और आय पर रोक दिया गया, लेकिन ये तस्वीर देखिए, तमाम कार्यकर्ता मानो पूरा पटना को पूरी तरीके से बंद कर दिया हो, पूरे पटना को पूरी तरीके से भर दिया हो। राष्ट्रीय जनता दल एक तरह से अपनी ताकत भी दिखा रही है, चूँकि 2025 यानी अगले साल विधानसभा चुनाव है, संभवतः उससे पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और उन चुनावों को लेकर आरजेडी अब पूरी तरीके से एक्टिव मूड में आ गई है। तेजस्वी यादव यात्रा पर है इस वक्त, वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर राजभवन मार्च कर रहे हैं। आरजेडी के इस राजभवन मार्च को लेकर आपका क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई में बिहार में कानून का राज नहीं है, पुलिसिंग का कोई मतलब नहीं है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।